मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपठित गद्यांश। ये हमारी ग्रामर बुक में चैप्टर नंबर 26 में है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, अपठित गद्यांश होता क्या है? तो देखो, अपठित गद्यांश का अभिप्राय है जिसे पहले पढ़ा ना गया हो, जो बच्चों हमने पहले कभी ना पढ़ा हो। तो विद्यार्थी अपठित गद्यांश को पढ़कर उनमें से उत्तर देता है, जिसके कुछ निम्न प्रकार से नियम हैं। तो बच्चों, इसके भी नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं तो मैं पढ़ के बताती हूँ। दिए गए अपठित गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़े, ताकि समझ में आ जाए कि उसका मूल भाव क्या है। प्रश्नों के उत्तर अत्यंत सरल भाषा में देना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते समय ये ध्यान रखें कि उनके उत्तर गद्यांश में से ही हो। शीर्षक कम से कम शब्दों में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं पढ़ती हूँ अपठित गद्यांश। शिक्षा मनुष्य को दिमाग और शरीर का उचित प्रयोग करना सिखाती है। ये शिक्षा योग मनुष्य और पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन ना दे व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित्र एवं अच्छा नागरिक नहीं बना सकती, तो उसे क्या लाभ? सुहृदय, सच्चरित्र परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव तथा सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बनाते जब तक मनुष्य को आत्मिक ज्ञान ना हो। प्रजातंत्र में यदि हमारे कुछ अधिकार हैं तो कुछ उत्तरदायित्व भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को उत्तरदायित्वों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। तो बच्चों, ये जो पैराग्राफ दिया है इसके नीचे प्रश्न दिए होते हैं, तो हमने प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में बनाने होते हैं। अगर हमें अपने शब्दों में नहीं हम बना सकते, तो आप बच्चों ने क्या करना है, इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखनी है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं पढ़ती हूँ। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो शीर्षक क्या होता है? टाइटल। तो क्या है बच्चों इसका? ये सारा पैराग्राफ हमें शिक्षा के बारे में ही बता रहा है। तो हमारा आंसर क्या है? शिक्षा का उद्देश्य। नंबर 2, किस प्रकार की शिक्षा व्यर्थ है? तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, वह शिक्षा जो मनुष्य और पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन ना दे व्यर्थ है। नंबर 3, मनुष्य को संसार के सुख कब सुखी नहीं बनाते? तो थर्ड आंसर कहाँ से हम निकालेंगे? संसार के सभी वैभव तथा सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बनाते जब तक मनुष्य को आत्मिक ज्ञान ना हो। देन लास्ट, शिक्षित व्यक्ति को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो एंड वाली लाइन से, शिक्षित व्यक्ति को उत्तरदायित्वों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। तो बच्चों, ये उन नीचे भी आंसर दिए हैं, लेकिन ये अपने शब्दों में बनाए हुए हैं। आपने यहाँ से देखना है, फिर उनको अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लिखना है। जो बच्चे नहीं लिख सकते, उन्होंने फिर यहीं से ढूंढ के लिखने हैं, क्योंकि इसके आंसर इसी में छुपे होते हैं। अब आ जाओ बच्चों अभ्यास में। देखो कितने सारे गद्यांश है ना, कितने सारे हैं। इनके उत्तर नहीं दिए गए हैं, तो आपने इनकी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसको पढ़ना है। 2-3 बार पढ़ने के बाद आपके इसके प्रश्नों के उत्तर अपने आप गद्यांश में से मिल जाएंगे। तो इसी के साथ बच्चों, आपने मेरी वीडियो नंबर 10 और वीडियो नंबर 9, वीडियो नंबर 9 में आपने सर्वनाम पढ़ा था, और वीडियो 10 में आपने विशेषण, दोनों सर्वनाम और विशेषण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज मैं उसका रिवीजन टेस्ट लेकर आई हूँ। फर्स्ट प्रश्न है, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित दो। नंबर 2, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने पुरुष आते हैं? प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांट कर उनके भेद लिखिए।
वह मेरी कलम है, तुम अपना काम स्वयं करो। जो वर्ष सर्वनाम है वो इधर लिखना है और उसका वेद इधर लिखना है। विशेषण की परिभाषा देते हुए उसके वेदों के नाम भी बताइए, ठीक है। फिफ्थ प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखा अंकित कीजिए तथा निर्दिष्ट स्थान में उनके भेद लिखिए। नंबर वन, 5 किलो चीनी लाओ। नंबर टू है, मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। तो बेटे, इनमें से जो आपका विशेषण है वो आपने इसी में अंडरलाइन करना है और उसका जो भेद है वो आपने इधर लिखना है, ठीक है बच्चों। इसमें आपने चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है, ईमानदारी से करना है। तो खुद चेक करना है, आप बड़े बच्चे हो तो इसलिए आपने खुद चेक करना है। इसी के साथ धन्यवाद।